का मुख्य समाचार। दिमाहासा जिला में कोरोना महामारी आक्रांत लोगों की संख्या में बढ़ोतरी। यह संख्या दुर्गा पूजा के बाद 61 तक पहुंचा, जिनका अभी हाफलॉन्ग सिविल हॉस्पिटल आइसोलेशन वार्ड में इलाज चल रहा है। जॉइंट डायरेक्टर हेल्थ सर्विस डॉक्टर दीपाली बर्मन का कहना है कि पूजा के बाद भीड़ भाड़ के कारण कोरोना महामारी से आक्रांत लोगों की संख्या बढ़ रहा है, जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा उत्सव और वेदर को देखते हुए पहले से ही तैयार रहने की निर्देश दी गई और आइसोलेशन वार्ड में बेड की संख्या भी बढ़ाया गया, जो अभी 118 है। डॉक्टर बर्मन का कहना है कि अभी लोगों को खुद आगे आकर टेस्ट कराना चाहिए और कोविड प्रोटोकॉल को मानकर चलना चाहिए, ताकि कोविड 19 को फैलने से रोका जा सके। देखिए, हम लोग को अभी डिस्ट्रिक्ट में सिविल हॉस्पिटल में 61 केसेस है। हाँ, 61 केसेस है इन सिविल हॉस्पिटल में, जहाँ में हम लोग का बेड है 118। ठीक है, तो लाइक बीच में हम लोग को बहुत कमती हो गया रहा, इट केम आउट टू 25-30 ऐसे कम हो गया था, जस्ट बिफोर पूजा और ड्यूरिंग पूजा ऐसे था, बट आफ्टर पूजा हम लोग देख रहे हैं कि अभी 61 तक तो आज तो पहुंच गया। ये हम लोग को स्टेट से भी हम लोग को एक ऑर्डर दिया था कि हम लोग रेडी होना है आफ्टर पूजा। एक तो पूजा में आदमी लोग का आना जाना बहुत होगा, बाहर निकालने वाला बहुत होगा, प्लस उसके साथ में जो सीजन चेंज हो रहा है, अभी जो ठंडा गिर रहा है, तो ऐसे भी हम लोग को इन्फ्लुएंजा टाइप ना इस अभी तो होता है, फ्लू लाइक सिम्टम्स होता ही है। सो उसका साथ में लाइक कोविड भी ज़्यादा होगा बोल के हम लोग को इंस्ट्रक्शन दिया गया, उसके लिए हम लोग को रेडी होने के लिए भी बोला गया था। तो अभी हम लोग देखता आपका लाइक 2 तारीख में हम लोग मैक्सिमम कितना 170 केसेस किया था, रैट टेस्ट किया, उसमें से 28 पॉजिटिव आया इन आर डिस्ट्रिक्ट। तो फिर 3 तारीख में 150 किया, उसमें 16, काल में करा 105, उसमें 4 केसेस आया। तो बात ये हो गया, अभी आदमी लोग टेस्ट कराने नहीं मांगता, जबकि हम लोग को गवर्नमेंट से ऑर्डर दिया हम लोग अभी ज़्यादा टेस्ट करना है, क्योंकि जैसे देखिए उस दिन जैसे 170 केसेस में 28 जब पॉजिटिव आया, दैट मीन्स वो लोग सब ये पुलिस पर्सनल था। तो हम लोग का कम्युनिटी में भी तो बहुत हिडन केस होगा, जो लोग ऐसे मे बी कैरियर भी होने सकता, मे बी वो लोग अभी थोड़ा थोड़ा उनको सिम्टम्स हो रहा है, तो वो लोग आगे नहीं आने से, हम लोग तो बोल ही रहा है कि हम लोग टेस्ट करेंगे, लेकिन आप लोग आगे आना पड़ेगा, हम लोग घर घर जाके तो टेस्ट करने नहीं सकता है। सो अभी गवर्नमेंट से जगह बना के दिया है हेल्थ इंस्टीट्यूशन में, सब हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में जैसे हम लोग का 7 जगह है जहाँ पे हम लोग टेस्ट कर सकता, हम लोग का सिविल हॉस्पिटल में, हाफलॉन्ग में जैसे हम लोग का सिविल हॉस्पिटल में हो रहा है, अर्बन हेल्थ सेंटर में हो रहा है, ऐसे करके 2 जगह में कोई भी जा के अपना टेस्ट करा सकता है। क्योंकि ये तो ऐसे नहीं है कि हम 1 महीना 2 महीना आगे में किया तो हमको उस टाइम में निगेटिव था, अभी और हमको नहीं होगा, ऐसे नहीं है। ये आज हम टेस्ट किया, 2-4 दिन पीछे में हम यदि कोविड पॉजिटिव पेशेंट का इसमें उसका साथ में गया होगा, तब तो हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है फिर। इसीलिए अपना हम लोग को जैसे बोला गया कि सबको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, मास्क लगाना है, क्योंकि हम लोग कितना दिन लॉकडाउन या घर में बैठ के रहेगा, अभी तो स्कूल भी खुल गया, सब कुछ खुल गया, तो कोविड के साथ में ही हम लोग को जीना है। तो इसीलिए एक तो अच्छा बात है कि हम लोग उसको मास्क लगा के सोशल डिस्टेंसिंग करके रिपीटेडली हम लोग हाथ धुलाई करके हैंड सैनिटाइजर से या साबुन पानी से हाथ सैनिटाइज कर सकता है, तो हम लोग ये बीमार से हम लोग बच सकता है, तो ये करके हम लोग अपना बचाव कर सकता है। लेकिन अभी आप देखिए आदमी लोग
टेस्ट भी कराने नहीं मांगता, रिपीटेडली हम लोग कितना बोल रहा है, क्योंकि मेडिकल का आदमी तो हम लोग आप लोग आने से ही हम लोग टेस्ट करने सकेगा। हाँ, आप लोग यदि आगे बाहर के नहीं आएगा, पब्लिक नहीं आएगा, तो हम लोग ज्यादा टेस्ट करने नहीं सकेगा, कम्युनिटी में स्प्रेड होते ही जाएगा। कौन टाइम में देखा जाएगा, आदमी लोग आता नहीं है, थोड़ा थोड़ा सिम्टम्स होने से बोलता है नहीं ये तो इन्फ्लुएंजा हर ईयर का माफिक हमारा हुआ है, हमको टेस्ट नहीं करना है। हॉस्पिटल जाने से झूठ मूठ को पॉजिटिव निकल जाता है, ये कभी नहीं होता है, पॉजिटिव झूठ मूठ का कभी नहीं निकलता, जिसको है। हाँ, कोई को सिम्टम्स नहीं होने वाला को भी पॉजिटिव होता, ये हम लोग 100 times बोलेगा, क्योंकि कोई कोई कैरियर है जिनका कुछ दिखा, ना सर्दी है, ना बुखार है, ना खांसी है, कुछ ही नहीं है, लेकिन उनका बदन में वो कैरियर है, उनका बदन में ये वायरस है, तो इसको जो हम लोग आइडेंटिफाई किया, आइसोलेट किया, तो उनका पास से दूसरा लोग को होने का चांसेस तो कमती हो जाएगा। आदमी लोग क्या करता है, पॉजिटिव निकालने से भी होम आइसोलेशन, हॉस्पिटल आने नहीं मांगता, होम आइसोलेशन मांगता है, घर में बैठता, लेकिन प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करता, क्योंकि इनको पूरा पूरी आइसोलेशन होम आइसोलेशन को जो प्रोटोकॉल है वो प्रोटोकॉल नहीं मानता है, बाहर निकल जाता है, सबका साथ में आना जाना करता है, तो ऐसे करने से तो आइसोलेशन का कोई मीनिंग नहीं है। तो और क्या होता है, कभी कभी देखा गया कि घर में बहुत सीरियस हो के 11th hour में हॉस्पिटल में आता है, वो टाइम में तो हम लोग कुछ कर नहीं सकता, इससे करके हम लोग को बहुत पेशेंट का डेथ भी हुआ, हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में वो 11th hour में आया, हम लोग कुछ करने नहीं सका, डेथ हो गया, कोई को हम लोग रेफर भी किया, रास्ता में डेथ हो गया, कोई जाके गुवाहाटी में भी ज़्यादा सीरियस है बोल के उनको हम लोग बचाने नहीं सका। ऐसे ऐसे बहुत एग्जाम्पल हम लोग का है। सो हमारा ये रिक्वेस्ट है सबको, आप लोग आगे बढ़ के आइए, अपना टेस्ट कराइए, करके अपना स्टेटस मालूम होने से अपना का भी बचाव होगा, सबका ही बचाव होगा। थैंक यू। न्यूज़ बैरल में बने रहने के लिए धन्यवाद।